सेक्शन अगेंस्ट लॉ, हम जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री देखा है, हर चीज़ के लिए एक सेक्शन है, हर चीज़, लेकिन एक जब हम कानून अगर कुछ गलत करता है तो उसके लिए कोई सेक्शन नहीं बना है। तो उसी के खिलाफ जो एक कॉमन मैन की दर्द है, उनका एक दर्द है कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, अच्छा टाइटल नहीं मिला मुझे सेक्शन अगेंस्ट लॉ का। आम हम देखते रहते हैं कि अगर आज मीडिया बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं मीडिया में बहुत सारी गलत न्यूज़ आ जाते हैं, उसमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाता। आजकल व्हाट्सएप पे भी अलग अलग मैसेजेस आते हैं तो कन्फर्मेशन नहीं होता, जो देश में भी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। इसलिए मैंने रिसर्च किया है, ऐसे ही नहीं बनाया मैंने फिल्म, रिसर्च पूरा 1 ईयर किया मैंने, क्या है एक कॉमन मैन की कहानी, क्या है सच में डरते हैं पुलिस से, कोर्ट के से डरते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो हम लोग एज ए फिल्म मेकर, और हमारे साजिद सर जो हैं वो हमें सपोर्ट किया कि नहीं बनाते हैं, हम लोग करते हैं, रिस्क लेते हैं, देखते हैं जो होता होगा देख लेंगे, हम लोग करते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ गए थे, लेकिन साजिद भाई इज़ अ माई बिग ब्रदर, और ये बोले नहीं हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट आज स्टार्ट कर लिए और आपके सामने। ऑलरेडी मैंने देखा हूँ कि बहुत जगह हमने घूमा, मैं ऑलरेडी मैं भी देखता हूँ, तो मैंने देखा कि जो गरीब लोग जो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, सच में उनको बैठा दिया जाता, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और उन्हीं के सामने अगर कोई अमीर पैसे वाला इंसान चला जाता है तो उसकी फटाफट सुनवाई हो जाती है। और हमने बहुत कुछ देखा है गरीब लोगों का, जैसे आप बिल्डर के पास गए, गरीब लोगों का बुकिंग किया उन्होंने, कितने बिल्डर होते हैं गरीब लोगों का पैसा लेके बैठ जाते हैं, और वही अमीर लोगों का पैसा फंसता, अमीर लोग तो निकाल लेते हैं, उनके पास पावर होता है, उनके पास ताकत होती है, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे, गरीब पुलिस के अलावा कहीं जा नहीं सकते, उनको यही सहारा है पुलिस या तो कोर्ट। आप पुलिस स्टेशन में जाओ तो आ जाओ कल आओ, ये सिविल मसला है, ये है वो है। तो मैंने सब कुछ देखते हुए मैंने इसको, मैंने सेक्शन अगेंस्ट ला मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसे चालू किया। अरे एक सोशल वर्कर भी है, एक पॉलिटिशियन भी है, और इनका यह है कि ये नहीं कि मैं अपने लिए काम करूँ, जो सही है सही के साथ सही करेंगे, गलत के साथ गलत करेंगे। इनका ये भी ओपिनियन था जब हम बना रहे थे फिल्म, तो चाहे कोई भी हो अपनापन हो, अगर अपना भी कोई गलत करेगा तो हम तो सवाल खड़ा करेंगे, इनका ये सोच है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट किए फिल्म। ये स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट अभी देख रहे हैं हम लोग, सब चीज़ हो गई है उसी हिसाब से जी, फिर हम लोग आगे आपको तैयारी करेंगे। मेरे पास काफ़ी नॉन है, लेकिन थोड़ा डेट इशू चल रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग फैब में जा रहे हैं फ्लोर पे फैब के बाद, और इंटरटेनिंग का पूरा ख्याल रखा गया है कि हम बोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे फिल्म मेकर हैं तो इंटरटेनमेंट तो पहला ये होती है कि प्रायोरिटी, कि हम इंटरटेनमेंट बनाएं, इंटरटेन करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अगर मैसेज आ जाता तो बेटर है। तो एक मैसेज है इस फिल्म में, और इंटरटेन पूरा है, और काफ़ी नॉन स्टार है, नॉन लोग हैं। मुझे लगता है कि वाकई ये फिल्म जो है वो लॉ को जागरूक करेगी। लॉ में जैसे पुरानी कहावत है कि 100 में से 80 बेईमान, फिर मेरा देश महान, नाना पाटेकर ने कहा था कि, और फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे ही लॉ में वाकई ये सच बात है कि 100 में से 80 बेईमान है, 10-20% लोग अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। जो ईमानदार है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो 80% बेईमान है मैं चाहता हूं कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाए मोदी सरकार द्वारा, गृहमंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा, और इनको सज़ा दी जाए, क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करना, कर्तव्य के साथ गद्दारी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा आतंकवाद है, और आतंकवादी की सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और जो सिस्टम के साथ खेल रहा है बिना सुनवाई के, जब उसका पर्दाफाश होता है तुरंत फास्ट ट्रैक से उसको सज़ा देनी चाहिए। सबसे पहले हमारे बापू राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है, उनको यौम पैदाइश की पूरे देश को मुबारकबाद देते हैं। उसी सिलसिले में आज साजिद भाई ने भी इस दुनिया में जन्म लिया 2 अक्टूबर को, ऐसे महान लोगों का दिन, तो उनको भी साजिद भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद। और देखो इन दोनों ने ऐतिहासिक काम किए, तो साजिद भाई उसी दिन आए तो ये भी एक ऐतिहासिक काम करने जा रहा है। ऐसा है कि यहाँ पे जो भी इस दिन पैदा होने वाला बंदा जो है देशभक्त होता है, क्रांतिकारी होता है और देश के लिए जीता है, और कुछ न कुछ इतना इतिहास रच के जाता। मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी इतिहास रचेगा, बहुत सारों को कानूनी जानकारी नहीं मालूम वो जानकारी मिलेगी, इंसाफ नहीं मिलता उसके लिए आवाज़ उठाएगी। और मैंने भाईजान अब आपने बोले हो तो सुन लो, मैंने बहुत पहले मैंने 4-6 लाइन सुनी थी, मुझे आज भी ये देख के याद आ गया। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा, मैं ज़्यादातर मीडिया के सामने आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो बोलने का तरीका और जो रखने की चीज़ है ना, वो आप लोगों को थोड़ी सी पता नहीं कहाँ से मसाला और क्या ना मिले, तो मैं वो वाली बातें करता ही नहीं, तो ना मैं सोशल मीडिया पर जाता हूँ, ना मैं किसी न्यूज़ चैनल पर जाता हूँ। ये तो भाई का प्यार है सिद्दीकी सर का कि उन्होंने बुलाया है, और एक ऐसा इनिशिएटिव दिखाया है कि लोग ना जानते हैं। अभी मैं अगर ये
जो देख के आ रहा हूँ लगता है मुझे दो तीन लोगों की आंखों में आंसू आ गए होंगे। अभी हमने बहुत ऐसी मूवी देख ली, हमने बहुत बायोग्राफी बना ली, जिन लोगों ने कुछ किया है ना उनका हमने बहुत बना लिया, हमने ऐसी भी बहुत चीज़ें बना ली जिनमें हम लोगों को हंसाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, बट अगर हम सच्चाई से रूबरू कराएं किसी को तो ये पता सबको है जो अभी हम अंदर देख के आए हैं सेक्शन अगेंस्ट लॉ। बट अगर हम इसको इस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं ना, क्योंकि देर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट और वो आम आदमी, कहने को आम आदमी है लेकिन ना गवर्नमेंट तक उसकी बात पहुंचती है, क्योंकि बीच में जितने मीडिएटर हैं वो सब लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ अपनी रोटी सेकने से मतलब है। आज हम बात करते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं जाति पे लड़ रहे हैं, हम लोग अभी नया एक और पैतरा फेंका है, हम लोग अब भाषा पे भी लड़ रहे हैं, हम लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सबके, हम लोग एजुकेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि आपको आज, अभी कुछ टाइम पहले चालान का एक नया कोई इम्प्रूवमेंट आया है या जो भी नया कि आपने, हाँ नया लॉ आया है कि आपने सीधा उसको कितना कर दिया है, मतलब हजारों में कर दिया है। आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक बंदे को पहले आप एजुकेशन दो, जो बंदा, क्योंकि आप एक ऐसी प्रायोरिटी में बैठे हो कि आप पढ़े लिखे भी हो, आप सिस्टम भी बना रहे हो, उस सिस्टम को ढंग से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आप रोड पे किसी को पकड़ के किसी का 23-24-25 हज़ार का बिल काटते हो, गलती या उसकी है नहीं है, बट वो एक आक्रोश पैदा करेगा, एक गुस्सा पैदा करेगा, और वो गुस्सा ऐसा होगा ना कि वो दूसरे को बोलेगा एक काम करना, उधर से जाओ, वहाँ काट रहे हैं, तू भी जा। तो हमें ना चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी। आज हम मॉब लिंचिंग देखते हैं, अभी मैं अंदर ये एक क्लिप देख के आया हूँ जिसमें बताया कि आई एम नॉट ब्लेमिंग पुलिस वाले कि वो देर से पहुँच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ना, कि बंदे पीट रहे हैं और बंदा पिट रहा है और उसके बाद जाके आप केस कर रहे हो, ये हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना कि ऑन द स्पॉट बी ऑन द मूवमेंट होना पड़ेगा, वो या वो अधिकारी हो या वो पुलिस हो या फिर वो आम आदमी हो। एक्चुअली क्या है ना कि मैं रियलिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, और आई नो कि अगर मैं तैयार हो जाता हूँ तो काम तो आना ही आना है, और इसी बीच में 2 मूवी शूट भी कर चुका हूँ, बट मूवी शूट होना और रिलीज़ होने में बहुत अंतर है, तो आप लोगों की दुआएं रही तो जल्दी आऊँगा।